नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सीट शेयरिंग मामले में जदयू ने अपने हिस्से में की 23 आरक्षित सीटें। सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों को सुरक्षित रख लिया है, जिसमें से 18 में जदयू के प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं, जबकि 5 सुरक्षित सीटें जदयू ने हमको दे दी है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही जदयू ने 13 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिनमें से 11 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। जीतने वाली सभी सीटों पर प्रत्याशी एक बार फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन 18 सीटों पर जदयू अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाला है, उसमें त्रिवेणीगंज, रानीगंज, मनिहारी, सिंहेश्वर, सोनवर्षा, कुशेश्वर स्थान, सकरा, भोरे, राजापकार, कल्याणपुर, अलौली, धौरैया, राजगीर, फुलवारी, मसौढ़ी, चेनारी, अंगियाव शामिल है। वहीं हम ने मखदुमपुर, कटुम्बा, इमामगंज, बाराचट्टी और सिकंदरा सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि एनडीए की प्रमुख दल जदयू ने कैमूर में अपने किसी भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। कई दिग्गज नेता आज भरेंगे अपना नामांकन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण के लिए मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन भरने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। वहीं पहले चरण को लेकर एनडीए और महागठबंधन समेत सभी दलों ने आपसी खींचतान के बाद सीटों को फाइनल करने की घोषणा कर दी है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी बची हुई है। अब 16 जिले में 71 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशी नामांकन में जुट जाएंगे। वहीं इन दो दिनों में कई दिग्गज समेत विभिन्न दलों के प्रत्याशी भी नामांकन करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज एनडीए के सहयोगी और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी नामांकन करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार हम प्रमुख जीतन राम मांझी इमामगंज से अपना पर्चा भरने वाले हैं। बाकी बचे 3 प्रत्याशी ज्योति देवी, देवेंद्र मांझी और श्रवण भुइया भी आज ही नामांकन दर्ज करने वाले हैं। नवादा में आदेश का पालन नहीं करने वाले 26 शिक्षकों की बड़ी परेशानी। चुनाव प्रशिक्षण में देर से पहुंचने वाले 26 शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी के कार्यालय पर जारी पत्र के मुताबिक इन शिक्षकों ने चुनावी परीक्षण में देर से हिस्सा लिया था, जिन्हें डीओ ने अपने पत्र में उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए इनके वेतन पर रोक लगा दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बलिराम भगत की। बलिराम भगत का जन्म आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1922 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बलिराम भगत एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। बलिराम भगत ने भारतीय कांग्रेस को साल 1939 में ज्वाइन किया था और भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट का भी हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पटना कॉलेज से पूरी की थी और मास्टर्स की डिग्री भी वहीं से ग्रहण किया। इतना ही नहीं, बिहार में जन्मे बलिराम भगत ने बतौर राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल का पानी भी नहीं पी सकेंगे पुलिसकर्मी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पुलिस बलों पर भी खास नजर बनाई जाएगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए इस बार पुलिस कर्मियों पर पैनी नजर बनाई जाएगी, जिसके तहत बिहार पुलिस समेत सभी अधिकारियों के लिए आचार संहिता बना दी गई है। चुनाव के दौरान पुलिस बल क्या करेंगे क्या नहीं, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है। विभाग ने इस बाबत आचार संहिता को लागू करते हुए कड़ाई से पालन करवाने का आदेश दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब पुलिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ना ही पार्टियों को लेकर अपना मत रखेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव की ड्यूटी के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का दिया हुआ खाना पानी भी नहीं खा सकेंगे। पुलिस बल को अपने साथ पानी की बोतल और बिस्किट रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी सहयोग ना लेना पड़े। इतना ही नहीं, मोबाइल को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही गई है। चुनाव से पहले चिराग पासवान को लगा करारा झटका। बिहार में जारी सियासी सरगर्मी के बीच टिकट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों के बीच खींचतान दिखाई दे रही है। वहीं चुनाव से पहले लोजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार लोजपा को एक और करारा झटका लगा है, जिसके तहत बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुर से 4 बार विधायक रह चुके सुनील पांडे ने पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल सुनील कुमार की इच्छा थी कि वो इस बार तरारी से लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन एनडीए में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। इसके बाद से ही वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे और कयासों का दौर शुरू हो चुका था कि शायद वो लोजपा का दामन छोड़ के निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। भाजपा नेता उषा विद्यार्थी ने थामा लोजपा का हाथ। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसके तहत चिराग पासवान की तरफ से भाजपा को एक बार फिर से एक करारा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक और महिला आयोग की सदस्य उषा विद्यार्थी ने भाजपा को इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं लोजपा का दामन थाम लिया है, जिसके बाद उषा विद्यार्थी को पालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार पालीगंज सीट एनडीए में जदयू के खाते में चली गई है। पहले इस सीट से लगातार भाजपा प्रत्याशियों का बोलबाला रहा है। उषा विद्यार्थी खुद भी साल 2010 से 2015 तक पालीगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रह चुकी हैं, लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काटकर राम जन्म शर्मा को मैदान में उतारा था।
नामांकन फाइल करने भैंस पर पहुंचे नेताजी। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख अब बस नजदीक है, ऐसे में नामांकन भरने की होड़ लगी हुई है, जिसके लिए कई विधायक और नेताजी गाड़ियों में सवार होकर अपना नामांकन भरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच नामांकन के छठे दिन विधायक बनने की होड़ में एक नेताजी अनोखे अंदाज में नामांकन करने पहुंचे, जिसके बाद उनकी ही चर्चा चारों तरफ हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार नेताजी अपना नामांकन भरने भैंस पर चढ़कर आए थे। पालीगंज में इन्हें लोक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचानते हैं। वहीं भैंस की सवारी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं पशु प्रेमी हूं, जब लालू जी भैंस की पीठ पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमा सकते हैं तो मैं कम से कम विधायक तो बन ही सकता हूं। आपको बता दें नेताजी की पहचान इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की जाती है। पटना की अपराजिता बनी क्लैट टॉपर, इस बार क्लैट की परीक्षा में बिहारियों का बोलबाला देखने को मिला। पहले दो स्थान पर बिहार की छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया है। पटेल नगर निवासी अपराजिता ने देश भर में अपने साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन किया है, क्योंकि अपराजिता ऑल ओवर इंडिया में टॉपर बनी है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पायदान पर बिहार की राजधानी पटना की विजयनगर निवासी आद्या सिंह को जगह मिली है। आद्या मूल रूप से सहरसा की रहने वाली है। आपको बता दें अपराजिता नोटरडम एकेडमी की छात्रा रह चुकी है। इतना ही नहीं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट सोमवार की देर शाम को जारी कर दिया गया था, जिसके बाद रिजल्ट को क्लैट परीक्षा के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था। साथ ही पहली मेरिट लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने कैंप सर्वे 2 में वोटिंग प्रतिशत गिरने की बताई मूल वजह। बिहार में गिरते मतदान प्रतिशत को लेकर हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से कैंप सर्वे 2 का आयोजन करवाया गया था। हालांकि नतीजों को अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में जिस बात का खुलासा हुआ है उसके अनुसार संबंधित सभी 25 जिलों के डीएम से मंतव्य की मांग की गई थी। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रंजिता ने जिलाधिकारियों को अपना मंतव्य देने का निर्देश दे दिया था, ताकि सर्वे के नतीजों के आधार पर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा सके। हालांकि सर्वे में इस बात की पुष्टि की गई है कि उज्जवल भविष्य के लिए राज्य के युवा ज्यादा जागरूक हुए हैं, बेहतर अवसर की तलाश में वो महानगरों में ज्यादा सक्रिय हुए हैं और यही कारण है कि वो अक्सर चुनाव के समय अपने घर पर मौजूद नहीं होते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 27 उम्मीदवारों की पहली सूची। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार रात को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। भाजपा ने पहले सूची में उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है जहां पहले चरण के चुनाव का आयोजन करवाया जाना था। भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची में श्रेयसी सिंह को भी मैदान में जगह दी है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें जमुई विधानसभा से टिकट मुहैया करवाया गया है। वहीं कहलगांव सीट से पवन कुमार यादव को टिकट दी गई है। बांका सीट से राम नारायण मंडल को, कटोरिया से निकी हेम्ब्रम को, मुंगेर से प्रणब कुमार यादव, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार, विक्रम से अतुल कुमार, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 121 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। नेपाली सीमा सील होने से 3 लाख वोटर नहीं दे पाएंगे वोट। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बीते 7 महीने से नेपाल सीमा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसका सीधा असर अब बिहार और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंधों पर देखने लगा है। इतना ही नहीं, सीमा बंद होने के कारण इस बार कई सारे प्रत्याशी भी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीमा बंद होने के 20 विधानसभा क्षेत्रों में भारी असर देखने को मिलने वाला है। अगर अभी भी नेपाल की सीमा सील रही तो लगभग 3-5% वोटर चुनाव से वंचित रहने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 2.5-3 लाख वोटर मौजूद है, जिसके कारण लगभग 3 लाख वोटर चुनाव से वंचित हो सकते हैं। बिहार की कई नदियां अभी भी लाल निशान से काफी ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में लाल निशान से नीचे दर्ज किया गया है। घाघरा नदी का जलस्तर घरौली में लाल निशान से नीचे दर्ज किया गया है। गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया में लाल निशान से नीचे है। बागमती नदी का जलस्तर ढेड़ ब्रिज के पास लाल निशान से 26 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि रुन्नी सैदपुर में यह लाल निशान से 9 सेंटीमीटर और बेनीबाद में 32 सेंटीमीटर ऊपर है। अधवारा समूह नदी का जलस्तर कमतौल में 28 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे के सामने होंगे सीएसके और केकेआर। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से चेन्नई और कोलकाता भिड़ने वाले हैं। अपेक्षा के अनुरूप परफॉर्म नहीं कर सकी कोलकाता की टीम के सामने धोनी आज अपने धुरंधरों को उतारने वाले हैं। जहां चेन्नई लगातार 3 मैच हारने के बाद लय में वापस लौटी है, वहीं केकेआर अभी जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। पिछले मैच में सीएसके की टीम लय में नजर आई थी, जहां बगैर एक भी विकेट गवाए चेन्नई ने आसान सी जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी तरफ केकेआर टीम की कप्तानी कर रहे कार्तिक अभी तक अपने फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। अब तक उन्होंने 4 मैच में 37 रनों की पारी ही खेली है। जहां एक तरफ चेन्नई आज अपना पिछला रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करेगी, वहीं केकेआर की टीम भी जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 67 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की
संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 72,049 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 67,131 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 986 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,04,555 पर पहुंच गई है, जिनमें से कुल मिलाकर 57,44,693 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की दर बढ़कर 85.02 पर पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों की संख्या की बात करें तो इस आंकड़े में भी 1.55% की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद भारत में कुल मिलाकर 9,07,883 मरीज फिलहाल सक्रिय हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार नेपाल सीमा सील होने की वजह से लगभग 3,00,000 वोटरों के वंचित होने के कारण बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।